Well, good evening. Our great, great, great grandfather and grandmother. पर हमारे पर 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 दादा और दादी ने. Adam and Eve. आदम और हव्वा ने. They made a bad choice. उन्होंने एक गलत चुनाव किया. They want their mind, their soul, and their body to become the most important thing. उनको लगा कि हमारा शरीर और हमारा जो प्राण है वो सबसे मुख्य है. We still have the same problem. हमारी भी यही समस्या है. Your mind is working. आपका दिमाग चल रहा है. I want to do this. मुझे ये करना है. I don't want to do this. मुझे वो नहीं करना है. That soulish, our mind, our will is still within us. वो अंदर का जो हमारा अहम है वो अभी भी जीवित है. But deep within us. लेकिन हमारे अंदर एकदम गहराई. It's a vacuum. एक खालीपन है. This emptiness, एक शून्यपन है. Darkness, अंधकार है. What happened? क्या हो गया? When they sinned, जब हम पाप करते when they disobeyed God, जब उन्होंने आज्ञा पालन नहीं की, the candle went out, जो मोमबत्ती अंदर जलती थी वो बुझ गई. The candle went out, मोमबत्ती बुझ गई. Darkness, अंधकार हो गया. That is now seen in all the misery, the sickness, and demon possession, and the chaos, and the abuse, and the suffering we have in our world. वही कारण आज हम देखते हैं दुनिया में पीड़ा है और दर्द है और शोषण है और सब तरह की बुराइयां आज इस संसार में हैं. And God loves us. पर परमेश्वर हमसे प्यार करता है. He loves all people. हर व्यक्ति से प्यार करता है. Why? क्यों? He made us in his image. उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया था. And one of the realities that he gave us the freedom to choose to love him or disobey him. और हमारे को उसने एक आजादी दी है कि हम या तो उससे प्यार कर सकते हैं या उसको हमेशा के लिए तिरस्कारित कर सकते हैं. Our great grandfathers Adam and Eve chose to disobey God. हमारे परदादा आदम और हव्वा ने उसको छोड़ देने का निर्णय लिया. And when Jesus came, जब यीशु आए, he is called the second Adam. उनको कहा जाता है दूसरे आदम. God himself incarnates as a human being. परमेश्वर खुद अवतरित हुए एक इंसान के रूप में. It's beyond our imagination. हमारे समझ के बाहर है ये बात. I cannot explain it. मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको. It's a mystery beyond our intellect. एक ऐसा रहस्य है जो हमारी बुद्धि से परे है. God became a man. परमेश्वर एक मनुष्य बन सकता है. You read that in 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियस उसके 3 अध्याय 16 वचन में इसको पढ़ सकते हो. It says there. वहां बताया गया है. The mystery of godliness is so great that God became flesh. वहां पर ऐसा लिखा गया है कि इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ वो आत्मा में धर्मी ठहरा. Some disciples of Christ asked him. शिष्यों ने यीशु से पूछा. Jesus. यीशु. We just want one thing. एक ही बात जानना है. Please show us the Father. कृपया पिता को हमें देखना है. Please show us the God. परमेश्वर कौन है हमको देखना है. And Jesus said. यीशु ने कहा. If you have seen me. अगर तुमने मुझे देखा है. You have seen the Father. तो पिता को देख लिया है. God chose to become one like us. परमेश्वर ने हम जैसा बनने का चुनाव किया. Why? क्यों? To make us like him. ताकि हम उसकी तरह बन जाए. That is only reason. यही एक कारण है. How he could do that? कैसे वो करता है? Because we have ruined our life. हमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया. We have sinned and failed. हम पाप में गिरकर असफल हो गए हैं. And that sickness must be healed. और बीमारी को चंगाई करना जरूरी है. And there is no answer for man's sin sickness. और मनुष्य के पाप का और बीमारी का कोई जवाब नहीं है. The only answer is the antidote, the pure holy blood of God himself. एक ही चीज है, एक ही दवाई है और वो है पवित्र यीशु मसीह का लहू. And he was born of Virgin Mary. और वो कुवारी मरियम से जन्मे. I am not a Protestant. मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूँ. I don't believe in Western religion.
मैं पाश्चात्य धर्म में विश्वास नहीं रखता. They say, oh, मेरी वर्जिन मेरी क्या है यार, वो तो वुमन है. वो लोग कहते हैं अरे कुंवारी मरियम क्या थी, वो तो एक स्त्री थी. You read the Bible. बाइबल पढ़िए. Of all the people on earth. सारे लोग जो संसार में थे उस समय. God found one young girl. परमेश्वर ने एक जवान लड़की को ढूंढ लिया. She was 100% hungering after God. वो 100% परमेश्वर के लिए भूखी थी. And God sent his angel to visit her. और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को उसके पास भेजा. And the angel came to her. और स्वर्गदूत आया. And said. और कहा. You are the most blessed on earth. तू सबसे धन्य है इस दुनिया में. The Almighty God saw you. सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने तुझे ढूंढ लिया. With all the problems in life. सारी समस्याओं के बावजूद. You are the daughter of Adam and Eve. तू आदम और हवा की बेटी है. But with your mind, पर तेरे मन में, with your emotions, तेरी भावनाओं में, you want to be his. तू चाहती है कि तू परमेश्वर की हो जाए. And God sent me to you. परमेश्वर ने मुझे तेरे पास भेजा. You are chosen. तू चुनी हुई है. To be the mother of God. परमेश्वर की माँ बनने के लिए. And God now incarnate through Virgin Mary. और कुंवारी मरियम से अवतरित हुआ परमेश्वर. And Jesus was born. यीशु पैदा हुए. I told this earlier. पहले भी बताया था. Some people ask. कुछ लोग पूछते हैं. How can Jesus be sinless and pure blood if he was born of a woman? अरे यीशु कैसे पाप रहित हो सकता है क्योंकि वो तो स्त्री से जन्मा था. The Orthodox fathers of faith told us this. Orthodox पिताओं ने हमको पहले बताया था. Why? क्यों? God himself told them that. परमेश्वर ने खुद उनको बताया. Jesus told them that. यीशु ने बताया था. Now science tells us that. अब विज्ञान बताता है. When a woman carries a child, जब माँ बच्चे को पेट में लेती है, the mother's blood never mingle with the baby. माँ का खून बच्चे के खून से कभी नहीं मिलता. She was conceived of the pure life, uncreated life of God. वो पूरी तरह से परमेश्वर के पवित्र लहू से निर्मित किया गया था. So Jesus said, यीशु ने कहा, Anyone among you can show me a sin about me. कोई भी मुझ में एक भी पाप बताए. He was sinless. वो पाप रहित था. Free from sin. पूरी तरह से रहित था. But he was a man. लेकिन वो मनुष्य था. He was tempted with everything you and I are tempted with. सारी परीक्षाएं जो आपके और मेरे जीवन में आती उसके जीवन में आई थी. When he saw a young girl, जब एक जवान लड़की को देखा, he was tempted with a sexual temptation. उसको भी शारीरिक परीक्षाएं आई. When he saw a rich man's palace, जब एक धनी व्यक्ति के महल को देखा, he was tempted to have all the riches. उसको भी लोभ हुआ होगा कि मैं भी धनी बन जाऊं. And thousand other temptations. ऐसे हजार परीक्षाएं आई. But पर he chose not to yield to temptation. उसने चुनाव किया परीक्षा में असफल नहीं होना. Adam had the same choice. आदम के सामने भी चुनाव था. But Adam failed. पर आदम असफल हुआ. But the second Adam. लेकिन दूसरा आदम. The Lord Jesus Christ. यीशु मसीह. God in flesh. परमेश्वर जो देहधारी हुआ. Said no. उसने कहा नहीं. And he said, और उसने कहा, I say nothing. मैं कुछ भी नहीं बोलता. I do nothing. मैं कुछ भी नहीं करता. I go nowhere. मैं कहीं नहीं जाता. Unless my father tells me. जब तक मेरा बाप मुझसे नहीं बोलता.